हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल बगीचे ख्वाहिशों का। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मेरे जो गुड़हल के पौधे सब हैं, बढ़िया है, चार पाँच तो जो बढ़िया बढ़िया जिसमें ज़्यादा फूल खिलते हैं, बहुत ज़्यादा, उसको बताऊंगी कैसे इतना फूल खिलते हैं मेरे गाछ में। एक दिन में चार पाँच छः खिल जाते हैं, कभी तीन खिलते हैं, तीन से कम तो खिलते नहीं हैं। मैं वही बताऊंगी आज आप लोगों को जो मेरे गुड़हल के गाछ में इतने सारे फूल कैसे खिलते हैं, क्या डालती हूँ मैं, वही आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ये है, इसे भाई केला का छिलका, केला का जो छिलके होते हैं, हम लोग केला खा लेते हैं, उसको आप लोग फेंक देते होंगे, आप लोग उसको मत फेंकिएगा, वो गुड़हल के लिए अमृत है। इतना अच्छे से गुड़हल को खिलाता है, इतना बड़े बड़े मेरे फूल खिलते हैं, कितना सुंदर से, आप लोग देखे ही होंगे मेरा शॉर्ट वीडियो में, मैं पहले डालती थी, इतना अच्छे से खिलते हैं। देखिए, एकदम सुखा लेना है, जो केले के छिलके आप फेंक देते हैं, पक्के केले जो खा के आप लोग फेंक देते हैं, उसको फेंके नहीं, उसको अच्छी तरह से एकदम सुखा लें, एकदम कुरकुरा जैसा सूख जाना चाहिए। फिर उसको आप लोग चाहे तो मिक्सी में पाउडर बना ले, मैंने पहले पाउडर बना के डाला था, मैं तो हमेशा डालती हूँ ये गुड़हल के पौधे में, इसलिए मेरे गुड़हल इतने अच्छे से खिलते हैं। आज मैं आप लोग को ऐसे ही एक लोहे के टुकड़े से ऐसे तोड़ के बता रही हूँ, गुड़ा करके बता रही हूँ दिखाने के लिए। अब जो केला का छिलका फेंक देते हैं, उसको फेंकिए मत फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है गुड़हल के लिए, बहुत ही अमृत होता है, अमृत जैसा है वो। हम लोग तो जो फूलों से प्यार करते हैं, वो तो सोचते होंगे मेरे गुड़हल के पौधे हैं, लेकिन खिलते नहीं हैं। मेरे घर में तो जो बड़े दो तीन गुड़हल के पौधे हैं, उसमें बहुत अच्छे से खिलते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है उसका, यही है जादू। जो केला का छिलका का जो मैंने सुखा के उसको बुरादा बना ली, एकदम भुरभुरी कर ली हूँ, आप लोग चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए, मैं मिक्सी में पीसी थी पहले, अभी आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे ही लोहा से ऐसे उसको कुछ के मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, उतना अच्छे से हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, आप लोग अगर डालेंगे मिक्सी में कर लीजिएगा ऐसे। देखिए, नीचे वाला जो गुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा अच्छे से हुए हैं, जो मिक्सी में करने से जल्दी काम करेगा, पाउडर जो बन जाएगा ये थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन ये भी अच्छा ही है। केला का छिलका एकदम सूखा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से मिक्सी में गुड़ा हो पाएंगे, ऐसे गुड़ा कर ले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया होता है, यही सब केला का छिलका है, ये मैं फिर सुखाने दी हूँ, मैं कभी पके केले आने से मैं फेंकती नहीं हूँ। अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग भी केला खा रहे होंगे, इम्यूनिटी बढ़ता है, तो केले का छिलका आप लोग फेंकिए मत, केले के छिलके को जमा के उसको सुखा के रखिए। गुड़हल का पौधे के लिए एक अमृत है ये, फूल खिलाने के लिए, मतलब गोबर का खाद कम से कम दीजिए, चाहे तो नहीं दीजिए, वर्मी कंपोस्ट और सब खाद डालिए, पत्तों का खाद, लेकिन गोबर खाद कम डालिए, तब आप लोग को आप लोगों का गुड़हल का फूल अच्छे से खिलेंगे। और ये जो मैंने बताया है अभी केले का छिलके का बुरादा जो मैंने अभी बनाया है, पहले का आप लोग का अगर मिट्टी होगा आप लोगों को गमला में, हल्के हाथों से मिट्टी हटा लीजिएगा ताकि उसका रूट डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करके मैं हटा लूँगी। मेरा डाला हुआ है सब, सारे गुड़हल में मैंने यही बुरादा मिक्सी में करके डाली हुई हूँ, अभी मैं फिर निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ, डाल के बता रही हूँ, इसीलिए मिट्टी हटा लीजिएगा ऐसे धीरे से, कोई चीज़ से ऐसे हल्की कर लीजिएगा मिट्टी को, थोड़ी कुरेद दीजिएगा, मेरा मतलब आ गया। देखिए, ऐसे करके मिट्टी जितना हो सके निकाल दीजिएगा, उसका रूट को आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ऐसे करके जो मैं अभी ये बुरादा करके रखी हूँ केले का सूखे छिलके का, उसको डाल दूँगी, दो मुट्ठी जैसा डाल दीजिएगा आप लोग भी। आप लोग डेढ़ महीना में या सवा महीना में एक बार ज़रूर डालिएगा,
नहीं हो तो आप लोग 2 महीना में ज़रूर डालिएगा एक बार, डाल के फिर वही मिट्टी में ऊपर से ढक दे रही हूँ इसको। ऐसे ढक देने से अच्छा होगा, जो केला का छिलके का बुरादा मैंने डाला है वो नीचे दबा रहेगा और जैसे पानी जाएगा वो उसका पानी, केले का छिलके का पानी नीचे जाएगा उसका जड़ में, तो उसका फर्टिलाइज़र उसको मिलते रहेगा जो उसका खाद है केले का छिलके का। आप लोग केले का छिलका भिगो के भी उसका खाद, लिक्विड खाद बना सकते हैं, वो भी मेरे पास है, वो भी मैं एक दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। केले का छिलके को भिगो के जो पानी बनाते हैं वो भी डालती हूँ मैं, वो मैं 15 दिन में डालती हूँ, इसको मैं 1.5 महीना में डालती हूँ। केले का बुरादे का जो पाउडर बनाती हूँ मिक्सी में करके रखती हूँ मैं, 1.5 महीना में 3-4 चम्मच करके डाल देती हूँ। अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी क्योंकि वो बड़े बड़े टुकड़े थे इसीलिए। देखिए ये मेरा पौधा है, इसमें रोज़ दिन 4-5 कभी 3-2 तो खिलते ही हैं, तो 2-3 खिलते हैं। आज तोड़ा लिया गया है मेरा फूल, पूजा हो गया है आज। देखिए ये लंबा वाला पौधा है, और भी है मेरे पास गुड़हल के पौधे में, सारे में केले का छिलके का जो सुखा के पाउडर बना के रखी हूँ डब्बा में उसी को डालती हूँ। आप लोग भी डालिएगा फ्रेंड्स, आप लोग का अगर फूल ना आए, अगर आप लोग का कोई शिकायत हो जी मेरा गाछ में ऐसे पत्ते ही हैं फूल नहीं आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल गोबर का खाद डालना बंद कर दीजिए और डालिएगा, बिल्कुल डालिएगा मत, तब आप लोग का फूल खिलेगा। ये देखिए मेरा फूल खिलाया, दूसरे दिन का ये वीडियो है। 3 बचा के रखी थी मेरे बेटी ने, तोड़ लिए थे 3-4 पूजा देने के लिए, पूजा करने के लिए, फिर भी 3 बचा था उसी का मैं देखिए वीडियो बना को आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े खिलते हैं मेरे, इतना अच्छे सुंदर से खिलते हैं, पिंक और एक पिंक कलर का है वो भी बहुत अच्छे से खिलते हैं। उसमें दो तीन ही खिलते हैं, छोटी सी गाछ है, लेकिन ये बड़ा गाछ है, इसका फूल का साइज़ भी बड़ा है, एक दिन में 5-6 फूल भी खिल जाते हैं। आप लोगों अगर फूल खिलाना चाहते हैं अपने गुड़हल में और सोचते होंगे बहुत ज़्यादा पत्ता है, सिर्फ पत्ता ही दिखता है, फूल नहीं है, कलियाँ नहीं है, तो आप लोग अभी तुरंत गोबर का खाद देना बंद कर दीजिए। गोबर का लिक्विड खाद, सूखा खाद, कैसा भी गोबर खाद आप लोग मत डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए और कोई भी खाद डालिए ऑर्गेनिक, लेकिन गोबर का खाद मत डालिए, तभी आप लोग का गुड़हल में ऐसे अच्छे से रिजल्ट आएंगे। मैं गोबर का खाद बिल्कुल नहीं डालती हूँ, पत्तों की खाद डालिए, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, ये सब मिला के उसी में ये मिला के केले के छिलका का बुरादा डालिएगा, ऐसे फिर फूल खिलेंगे आप लोगों का भी। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बाय फ्रेंड्स।